हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमके की पावर में। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक छोटे से गैंगस्टर की कहानी, जो कि यार काफ़ी फेमस गैंगस्टर है और काफ़ी नाम भी चलता है उनका इंडिया के अंदर। तो दोस्तों मैं आज उस गैंगस्टर की कहानी बताने वाला हूँ और उस गैंगस्टर का नाम है दोस्तों दुर्लभ केशव, जो कि यार महाकालेश्वर उज्जैन नगरी का रहने वाला था। दोस्तों उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर बहुत सारा बड़ा नाम कमाया और बहुत सारा पैसा वगैरह भी कमाया था और एक गैंगवार में उसका खत्मा भी हो गया था। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गैंगस्टर बने दुर्लभ केशव का खात्मा गैंगवार में कुछ ऐसे हुआ था। दोस्तों उज्जैन नगरी का रहने वाला गैंगस्टर, आपने कई बार गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह बन गया, जो ऑनलाइन गैंग को चलाता था, कई बार वारदातों को अंजाम देकर उज्जैन में बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों गैंगस्टर दुर्लभ केशव की कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई। छोटी सी उम्र में उतरा अपराध की दुनिया में गैंगस्टर दुर्लभ केशव। हमारे भारतीय समाज में हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियरिंग या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी होने के सपने देखता है। हम जिस युवक की बात कर रहे हैं, उसने बड़ा होकर एक गैंगस्टर बनने का सपना देखा और यही सपना उसकी मौत का कारण भी बन गया। दोस्तों गैंगस्टर दुर्लभ केशव, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के मशहूर गैंगस्टर के दुर्लभ केशव या कोहिनूर की, जो छोटी सी उम्र में उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर बन गया। दुर्लभ युवकों के बीच काफ़ी फेमस भी था, अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा बेताज बादशाह था और गैंगों में शामिल होने के लिए युवक दुर्लभ को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए पोस्टेज भी काफ़ी चर्चा में थी उसकी, और दुर्लभ के शव हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में सुरमा और गले में ब्लैक गमछा डालता था। इस कारण भी वो एक अपनी स्टाइल का अलग ही चर्चित रहता था। दोस्तों उसकी ये स्टाइल भी काफ़ी फेमस थी लोगों के बीच में और उसकी गैंगवार का भी अलग ही स्टाइल था। तो दोस्तों दुर्लभ केशव का फेसबुक पर स्टेटस था, 2 साल पहले दुर्लभ केशव ने अपनी फेसबुक वाले पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसे बाकायदा इसके लिए रेड तय कर दी थी पुलिस ने अक्टूबर 2018 में। उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो कि कम उम्र के थे। इनमें से कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ था और बाकी गैंगवार के लफड़ों में भी पड़ते थे, तो इस कारण पुलिस ने एक केस दर्ज किया था उनके ऊपर पहले भी। तो दोस्तों नाबालिग की गैंग तैयार कर रखी थी दुर्लभ केशव ने। दुर्लभ केशव का फेसबुक पर स्टेटस था कि वे कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी हो, तो उससे तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाल ली जाती थी। लोगों के बीच काफ़ी फेमस था दुर्लभ केशव और फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बना रखी थी, जो दहशत फैलाने वाली पोस्टें करते थे और इस आईडी में जेल में बंद लोगों की पोस्ट भी की गई थी। दोस्तों दुर्लभ केशव एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था, और वो ना कि केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि हर नए उम्र के लड़कों को लाइन के लिए तैयार कर रखा था। और उसके फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और इसी बीच वो फेसबुक पर काफ़ी एक्टिवेट रहता था। वो सोशल मीडिया पर जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला दुर्लभ केशव उज्जैन नगरी का था, और कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को परमानेंट करवाया, और उस जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार के लिए उसे आम बात हो गई थी। छोटी उम्र में रखा था अपराध की दुनिया में कदम। दोस्तों दुर्लभ केशव नाबालिग होकर सोशल मीडिया का उपयोग किया, वे अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे, और इस क्रम में जब विवाद हुआ तो हमले में दुर्लभ केशव ने अपनी जान गंवाना पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। और हालांकि पूर्व में जेल बंद हुए हत्यारों को भी काफ़ी पहले एक केस दर्ज हुआ था उन पर, जो कि अभी भी जेल में बंद है। तो दोस्तों बस इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कहानी किसके ऊपर चाहिए आप हमको कमेंट करके जरूर बताना, और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप इसके बारे में भी अपना पर्ची देवे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकालेश्वर।